मेरा हाथ छिल गया, पूरा पैर फूट गया मेरा। यासो देख लीजिए सीएम साहब, छात्र छात्राएं अधिकार की मांग करेंगे तो उन्हें मिलेगी आपके पुलिस की लाठियां। वो लोग अचानक से सारे मेल पुलिस आके मारने के लिए लाठी पूरा उठा दिया। इस महिला अभ्यर्थियों के आंसू पूछ रहे हैं सवाल कि बताइए सरकार महोदय, महिला अभ्यर्थियों पर इस तरह मेल पुलिस कर्मियों ने लाठियां आखिर बरसाई कैसे? और मेरी एक फ्रेंड खड़ी थी, हम लोग के ऊपर सब गिरा दिया, हम लोग को हाथ छिल गया, पैर फूट गया, लेकिन पुलिस की लाठियां बेरहम बनी रही। और मेरी एक फ्रेंड खड़ी थी, हम लोग के ऊपर सब गिरा दिया, हम लोग के ऊपर चढ़ के सब गया है। मेरा हाथ छिल गया, पूरा पैर फूट गया मेरा, और चढ़ के सब पार हो गया, मेरा फोन भी ले लिया। पटना की सड़कों पर बवाल मच गया। नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ बीपीएससी अभ्यर्थी सड़क पर उतरे बीपीएससी दफ्तर के सामने, लेकिन प्रशासन ने इसको लेकर ऐसा लगता है पहले से ही मन बना लिया था। भयंकर बवाल के बाद पुलिस ने लाठियां चलाई। छात्र नेता दिलीप को पुलिस ने हिरासत में लिया, उनका इलाज चल रहा है। इधर महिला अभ्यर्थी भी पुलिस की लाठी का शिकार हो गए। महिला अभ्यर्थियों से बात की हमारे संवाददाता अनिकेत कुमार ने। वो लोग अचानक से सारे मेल पुलिस आके मारने के लिए लाठी पूरा उठा दिया आपके ऊपर? हाँ, सबके ऊपर। और मेरी एक फ्रेंड खड़ी थी, हम लोग के ऊपर सब गिरा दिया, हम लोग के ऊपर चढ़ के सब गया है। मेरा हाथ छिल गया, पूरा पैर फूट गया मेरा, और चढ़ के सब पार हो गया, मेरा फोन भी ले लिया है। देखिए बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी चार्ज की गई है, उनमें कुछ लड़कियां हैं जिनका कहना है कि इनके ऊपर भी लाठी चार्ज की। क्या नाम है आपका? फाटा को पड़ा पहन के अपने रोड पे दौड़ते रहेंगे क्या? बस मेरा फोन चाहिए, मैं हम बहुत दूर से आया, मैं बस कुछ नहीं, अभी कहाँ रहेंगे अभी हम इतने देर, प्लीज। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई आप? अरे रुक रुक रुक, क्या नाम? मेरा नाम कोमल है, और हम नॉर्मलाइजेशन को लेके ही सब हम लोग यहाँ आए थे, और हम लोग शांति से खड़े थे, और पुलिस लोग को इन लोग को इतना फोर्स का, पैर में चोट लग गया, फट चुका है पूरा, मेरा फोन को ले लिया है। क्या मतलब किस लिए, वो क्या हुआ आपके साथ बताइए? हम लोग उस तरह खड़े थे, वो लोग अचानक से सारे मेल पुलिस आके मारने के लिए लाठी पूरा उठा दिया आपके ऊपर? हाँ, सबके ऊपर। और मेरी एक फ्रेंड खड़ी थी, हम लोग के ऊपर सब गिरा दिया, हम लोग के ऊपर चढ़ के सब गया है। मेरा हाथ छिल गया, पूरा पैर फूट गया मेरा, और चढ़ के सब पार हो गया, मेरा फोन भी ले लिया है। कौन फोन ले लिया आपका? कोई उठाया होगा, प्लीज लाठी बल के द्वारा, प्लीज प्लीज मेरा फोन दे दीजिए, मेरे पास एक रुपए नहीं है, प्लीज। कहाँ से आई हैं आप? और कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं हम लोग, लेकिन कोई उठा नहीं रहा, प्लीज। जमशेदपुर से आप बोलिए ना, कहाँ से आई हैं आप? जमशेदपुर से आए। जमशेदपुर से आप झारखंड से? हाँ, हक की लड़ाई के लिए आए थे, इस तरह मार खाने नहीं आए थे। हम लोग का भी माँ बाप है, उन लोग को भी दिखेगा ना, हम लोग को भी वही बनना है जो आज वो बन के बैठे हुए हैं, उसके लिए इतना पढ़ते हैं, और यहाँ पे ये सब होगा तो नहीं चल पाएगा। किसके साथ आई थी आप? हम अकेले आए हैं झारखंड से, मेरे पास कोई नहीं है। आपके घर में आपके मम्मी पापा को मालूम है क्या? हाँ, उनको पता है, वो लोग मेरे को पूरा सपोर्ट करते, कौन सब पढ़ा लिखा इंसान सपोर्ट कर रहे, लेकिन इन लोग को गवार लोग को समझ नहीं आ रहा है कि कौन, वो लोग भी वही बनना है ना, हम लोग को भी वही बनना है। अच्छे से बात करने आए थे ना, हम लोग को अंदर जाने दिए, अंदर हम लोग ये नहीं बोल रहे कि हम लोग आयोग में बैठा लो, वहाँ तक जाने नहीं दिए, वहाँ से भगा रहे हम लोग को। हम लोग तो पुलिस लेकर नहीं आए ना, हम लोग तो लाठी लेकर नहीं आए, अगर हम लोग सब लाठी लेकर आ जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे हम लोग का, सबके पास लाठी है लेकिन इस तरह से चलाना नहीं होता है। अभी कैसे जाएंगे आप, किसकी अकेले आई हैं? मेरे को नहीं पता, हम यही रहेंगे, इन्हीं लोगों के पास रहेंगे, हम लोग का एज हो चुका है सर, हम लोग को शादी के लिए भी फोर्स किया जाता है, हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, हम लोग को भी बोला जाता है अगर इस साल नहीं हो पाएगा ना तो शादी करवा देंगे, हम लोग को ये नहीं चाहिए। तो इनको समझना चाहिए कि सब कोई क्यों आया है, खास कर लड़कियाँ क्यों आई है, पागल तो नहीं है। घर पे बात हुई है अभी आपकी किसी इस घटना के बाद? बात करेंगे आप घर? क्या हम उन लोग को कमजोर नहीं करना चाहते, मेरे को बस मेरा फोन चाहिए। कैसे जाएंगे आप यहाँ से? मेरे को नहीं पता, मेरे को मेरा फोन चाहिए बस। वो लोग कितना दरिंदगी दिखा रहे हम लोग के ऊपर। आपके ऊपर भी लाठियाँ बरसाई गई, गिरने में चोट लगी? वो लोग लाठी लेके दौड़े थे, बस मेरे ऊपर चढ़ो, बात बस चोट का नहीं है, वो लोग चढ़ के गए है सब कोई। पुलिस वाले? पुलिस वाले? ऊपर से हम लोग को धमकी दे रहे, भागो नहीं तो मारेंगे, पहले लेडीज कांस्टेबल लेकर आए, अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ ना हम लोग भी लाठी लेकर आएंगे, मारेंगे इन लोग को भी, कोई कम नहीं है। अगर वो लोग है शासन में तो हम लोग भी, हम लोग भी वोट देते, नीतीश को देखना चाहिए कि किस तरह से लोग रोड
चुके हैं, बस एक क्विक साफ बोलिए। इतना बोलते बोलते महिला अभ्यर्थी का गला भर आया। महिला सुरक्षा का दावा करने वाली सरकार से यह आवाज चीख चीख कर सवाल पूछ रही है कि बताइए सरकार महोदय, हमारा कसूर आखिर है क्या। पटना से अनिकेत कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।